तो दोस्तों अभी कुछ ही टाइम पहले का ही बात है कि ये जो KTM कंपनी है ना, तो इनका भी एक न्यू जो उनका फेसलिफ्ट वाला मॉडल है एडवेंचर 250 का, तो उसको देखने को मिल चुका है। पहले बात भाई, ये जो न्यू मॉडल अभी देखने को मिला है ना, तो इसके अंदर पहले बात तो एक न्यू लुक देखने को मिला है जो कि आपके सामने है, और इसके बारे में तो आगे हम लोग बात करेंगे ही। साथ में एक और भी चीज की, एक पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला एक न्यू स्टाइल का मीटर कंसोल जो है ना, तो वो कुछ देखने को मिला है। बाकी वीडियो को आगे पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो ब्लॉग्स, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों पहले बात, अभी कुछ ही टाइम पहले ही भाई KTM कंपनी का उनका एक न्यू एडवेंचर 250 का ही फेसलिफ्ट वाला जो मॉडल है ना, तो उसको देखने को मिल चुका है, जिसके अंदर भाई पहले बात तो एक न्यू लुक देखने को मिला है। और ये जो लुक है ना, देख ही सकते होंगे आपके सामने है, जिसके अंदर नेकेड टाइप का ये जो लुक है ना, तो वही कुछ लग रहा है डिजाइनिंग में। बाकी देख ही सकते होंगे कि ये जो लुक है ना, तो ये भी एक रोबोटिक स्टाइल वाला लुक है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा LED प्रोजेक्टर लाइट भी। हां, एक और भी बात है कि भाई देखो दोस्तों, ये जो लुक है ना, तो इस टाइप का एक जो लुक है, तो इसके साथ में KTM का ही जो एडवेंचर 390 का फेसलिफ्ट वाला जो मॉडल है ना, तो उसको भी देखने को मिला था रस्ते को चलते हुए टेस्टिंग के दौरान, और उसका जो वीडियो है ना, तो वो भी मैंने बनाया था, आपको मैंने दिखाया था भी। बाकी अब बात कुछ ऐसे है कि आपके सामने अभी ये जो मॉडल है ना, तो ये है KTM एडवेंचर 250 का ही एक न्यू फेसलिफ्ट वाला मॉडल, जिसके साथ में भाई सिर्फ और सिर्फ ये न्यू लुक ही देखने को नहीं मिल रहा है, साथ में भाई एक न्यू स्टाइल का, मतलब एक न्यू डिजाइनिंग वाला जो एक भाई मीटर कंसोल है ना, तो वो भी कुछ देखने को मिल रहा है। और देख ही सकते होंगे कि भाई ये जो मीटर कंसोल है ना, तो इसके अंदर आपको पूरे तरीके से डिजिटल वाला फंक्शन तो वैसे भी देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अभी इनमें में बोला कुछ यही जा रहा है कि ये जो मीटर कंसोल है ना, तो इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा जो ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी है, तो वो मतलब ये कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। साथ में जो राइडिंग मोड्स है, या फिर जो है आपको क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, और इसके ही साथ कॉर्नरिंग, ABS वगैरह जो भी कुछ ऐसा सीन है, तो ये अभी इनमें में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस वाले मॉडल के साथ में आपको देखने को मिलने वाले। और इसके अलावा एक और भी चीज बोला जा रही है कि भाई ये जो KTM का ही न्यू जो एडवेंचर 390 के ही एक छोटा वर्जन जो एडवेंचर 250 ये फेसलिफ्ट वाला मॉडल है ना, तो इसके साथ में भी आपको देखने को मिलने वाले हैं भाई एक स्पोक व्हील्स टाइप का भी वेरिएंट, और इसके ही साथ-साथ अलॉय व्हील्स वाला जो वेरिएंट है ना, तो वो भी कुछ देखने को मिलने वाले हैं। हां, एक और भी बात है कि ये जो KTM का ही एडवेंचर 250 का ये जो न्यू एक फेसलिफ्ट वाला मॉडल है ना, तो इसके भी सामने आपको देखने को मिलने वाले हैं भाई एक USD फोक्स, और इसके ही साथ-साथ पीछे जो है ना, तो वो आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलने वाले हैं। साथ में भाई ब्रेकिंग सिस्टम जो है ना, तो वो भी इस वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, डिस्क ब्रेक के साथ में डुअल चैनल ABS। और हां, इसके अलावा ये भी कुछ बात है कि ये जो मॉडल है ना, तो इसके साथ में आपको जो लाइट्स का सेटअप है, तो वो पूरे ही तरीके से LED वाला देखने को मिलेगा, ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसके साथ में आपको जो हैजर्ड वार्निंग वाला फीचर है ना, तो ये भी कुछ देखने को मिलने जाने वाले हैं। लेकिन भाई एक जो बात इस वाले मॉडल के मीटर कंसोल में देखने को मिला ना, तो वो भाई मुझे कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि भाई ये जो मीटर कंसोल है, तो ये कलरफुल डिस्प्ले के साथ में भाई नहीं है, मतलब देख के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अगर आप लोगों को भाई देख के ऐसा लग रहा होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। बाकी ये जो मॉडल है ना, तो इसके बारे में भाई अगर थोड़ा सा और बात किया जाए, तो भाई इस वाले मॉडल का जो साइड लुक है ना, देख ही सकते होंगे भाई, ये उतना कुछ भाई भारी भरकम सा डिजाइनिंग के साथ में नहीं है, मतलब कि भाई एक पतला सा, लेकिन भाई बहुत ज्यादा शानदार सा जो एक फाइबर वाले पार्ट में जो कटआउट्स देखने को मिल रहा है ना डिजाइनिंग में, तो ये भाई अपने आप में ही काफी ज्यादा बेहतरीन तो लग ही रहा है। साथ में एक और भी चीज बोला जाए कि भाई ये जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको जो पावर है, तो उसमें भी भाई थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलेगा आज के डेट के KTM ड्यूक के ही, या फिर KTM के ही एडवेंचर 250 के मुकाबले, मतलब कि भाई ये जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको एक 250cc वाला इंजन तो देखने को मिलेगा ही, लिक्विड कूल वाला USD 4 valve वाला, लेकिन भाई ये जो इंजन सिंगल सिलेंडर होते हुए भी जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा ना, तो वो अभी रेट में एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि भाई 28 से लेके 32 BHP के अंदर अंदर है, और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ना, तो वो भी रेट में एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि भाई 20 से लेके 28 Nm के अंदर अंदर है। बाकी तो 6 speed के गियर बॉक्स के साथ-साथ आपको जो असिस्टेंस स्लीपर क्लच वाला जो फीचर है ना, तो यही अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि देखने को मिलने वाले हैं इस वाले मॉडल के साथ में। और हां, ये जो मॉडल अभी जब भी लॉन्च हो जाएगा ना, तो तब भी भाई एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इसका जो एक शोरूम प्राइस है, तो तब भाई उसके अंदर अप टू 30,000 तक जो है ना, तो वो आपको प्राइस इंक्रीज होते हुए देखने को मिलने वाले हैं एक शोरूम प्राइस में। और हां, इसके अलावा इस वाले मॉडल का जो लॉन्च
एक्सपेक्ट किया जा रहा ना तो वो है भाई 2025 के ही शुरुआती महीनों में। तो ये वाला वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारा कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।